हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रितेश केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, तो हम लोग पिछले वीडियो में नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़े थे बच्चों, है ना। तो उसको हम सीखे थे कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन का नाम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स था बच्चों, इसलिए दोनों को साथ में पढ़े हम लोग, है ना। आज हम लोग जो है कुछ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में समझेंगे बच्चों एल्डिहाइड कीटोन के अंदर, और उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन में चले जाएंगे। तो आज हम लोग लेक्चर 2A स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, जिसमें कि कुछ ओवरलैपिंग सीखिए आप लोग। एल्डिहाइड कीटोन में कैसे ओवरलैपिंग होता है, कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है, कैसे पाई बॉन्ड बनता है, इसके बारे में बात करेंगे बच्चों, और उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में जाएंगे बच्चों। तो बहुत ईजी काम है ये समझना। जैसे कि आप देखिए, एल्डिहाइड दिख रहा है RCHO, जिसमें कि एल्डिहाइड में जो कार्बोनियन ग्रुप है बच्चों, कार्बोनियन ग्रुप का मतलब क्या, C11O बॉन्ड, ये C11O को हम लोग कार्बोनियन ग्रुप बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे ही कार्बोनिल ग्रुप बोले तो आप दिमाग में आपको एल्डिहाइड और कीटोन आना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो एल्डिहाइड जो है इसमें सी डबल बॉन्ड ओ है, उसमें डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है बच्चों, और इस कार्बन के साथ एक सिग्मा और दो सिग्मा है। तो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा हो गया और एक पाई हो गया। तो 3 सिग्मा के लिए हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बच्चों, कार्बन का sp2, ठीक है। और ये बताएंगे कि सिग्मा सब बना कैसे बच्चों, कौन कौन से ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग से सिग्मा बना, और ये पाई कैसे बन पाया है ये भी बताएंगे बच्चों। तो आप इधर देख पा रहे हैं इसमें कि कार्बन के पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग देखिए ग्राउंड स्टेट में लिखेंगे, लास्ट ऑर्बिट का जो ऑर्बिटल होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हैं बच्चों। 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 है, ये 2p2 है, ठीक है। चूंकि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है तो 4 एम्पीयर भी होना चाहिए। तो 4 एम्पीयर करने के लिए हम लोग क्या कर दिए बच्चों, एक्साइटेड स्टेट कर दिए, है ना। तो 4 एम्पीयर हो गया, लेकिन ये 4 एम्पीयर वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है बच्चों कभी भी ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा, है ना। हम कभी भी एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग नहीं करवाते हैं कार्बन का, हम लोग किसका करवाते हैं, हम लोग हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग करवाते हैं और उसमें सिग्मा पाई बनाते हैं बच्चों। तो देखिए अगर इसका हाइब्रिडेशन sp2 है तो इसमें कितने s होंगे, 1s होगा और 2p होगा। तो देखो यहाँ से 1s, यहाँ से 2p हम लोग मिक्स करवा लें बच्चों, मिक्स करवा लिए हम लोग, हाइब्रिडाइज करवा लिए, तो क्या बन गया sp2। और नंबर ऑफ sp2 कितने हो जाएंगे, 3। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल आप मिक्स करवाइएगा बच्चों उतना ही एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज का बनेगा, है ना। तो 3 ऐसा sp2 बनेगा, और सारे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बनाता है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर जो भी आपका सिग्मा दिख रहा है वो सब जो है उसमें जो कार्बन का जो ऑर्बिटल गया होगा ओवरलैपिंग में वो sp2 ही गया होगा बच्चों, ठीक है। 3 sp2 है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसका, ठीक है। और ये जो पाई बॉन्ड है वो कैसे बनेगा, तो देखिए एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन में एक पीजेड को हम बचा कर रखे थे बच्चों, प्योर ऑर्बिटल, क्योंकि पाई बॉन्ड प्योर ऑर्बिटल से बनता है बच्चों, तो एक पीजेड हम बचा कर रखे थे। जरा ऑक्सीजन को देखिए, इसके ग्राउंड स्टेट में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा है जो अनपेयर्ड है, अनपेयर ही ओवरलैपिंग में जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो py जो है ना, py जो देख रहे हैं ऑक्सीजन के पास एक सिग्मा बॉन्ड भी है, तो हम py को सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और pz से क्या कर देंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, है ना। तो एक हम लोग अगर इसको pz को बचा कर रखें पाई बॉन्ड बनाने के लिए, हमको ऑक्सीजन का pz ही बचा कर रखना होगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि सेम ओरिएंटेशन में ही ओवरलैपिंग होता है बच्चों। तो यहाँ देखिए सिग्मा कैसे बना, तो कार्बन का sp2 ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का py ऑर्बिटल, ये वाला py ऑर्बिटल, ये दोनों मिलकर के सिग्मा बॉन्ड बनाया बच्चों, एक्सेल ओवरलैपिंग किया है। और ये जो पाई कैसे बना बच्चों, तो कार्बन का जो pz ऑर्बिटल था और ये ऑक्सीजन का जो pz ऑर्बिटल था प्योर वाला, जो हाइब्रिडाइज नहीं हो पाया था, हम उसको ओवरलैपिंग करवा लिए बच्चों। लैटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको, साइडवाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं, जिससे कि पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो सिग्मा और पाई हो गया। ये कार्बन के पास जो है 3 sp2 थे, 1 sp2 यूज हो गया, दूसरा sp2 हाइड्रोजन के साथ बनेगा बच्चों। कैसे बनेगा, तो कार्बन का sp2 ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल, देखिए ये 1s1 ऑर्बिटल, ये दोनों पर s और s का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, और sp2 का अनसिमेट्रिकल डंबेल होता है बच्चों। इस तरह से ओवरलैपिंग हो गया इस वाले, ये सिग्मा कैसे बना, तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन तो sp3 होगा, मान लो CH3 रहता तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन उसका sp3 होता। तो sp3 का क्या होगा, sp3 का ऑर्बिटल होगा अल्काइल वाले का, और कार्बन का sp2 ऑर्बिटल होगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना देगा,
इस तरह से हमारा बॉन्ड ओवरलैपिंग होता है बच्चों। यहाँ पर ये पाई ऑर्बिटल हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा। इस तरह से इस कार्बन के पास तीन सिग्मा और एक पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पर। और कुछ देखें हम लोग यहाँ पर, हम लोग दो बात यहाँ पर समझेंगे। एक तो एल्डिहाइड के बारे में समझेंगे ऐसा करके, और एक हम लोग क्या करें, एक एल्कीन के बारे में समझे बच्चों, ऐसा समझे हम लोग एल्कीन, है ना। इस एल्कीन के बारे में समझे, देखो डबल बॉन्ड यहां पर भी है, डबल बॉन्ड एल्कीन में भी है। ये अल्ट कार्बोनिल ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये एल्कीन हो गया बच्चों, एल्कीन में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या आपको पता है कि ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, लेकिन ये समझिए ये जो डबल बॉन्ड है बच्चों, ये जो डबल बॉन्ड है ये हेट्रो एटॉमिक डबल बॉन्ड है, क्योंकि इसमें जो डबल बॉन्ड बना है वो कार्बन और एटम, कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम से, यानी कि दो अलग अलग एटम से मिलकर बना बच्चों, तो इसको बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक डबल बॉन्ड। ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको एल्कीन के अंदर, ये है आपका होमो एटॉमिक डबल बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से समझिए। और चूंकि साइज में ऑक्सीजन का जो साइज होता है बच्चों छोटा होता है कार्बन से, तो ऑक्सीजन का साइज छोटा होने की वजह से ये जो बॉन्ड लेंथ होगा बच्चों, बॉन्ड लेंथ बिटवीन सी डबल बॉन्ड ओ बराबर 123 पिकोमीटर हो जाएगा बच्चों, 123 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ होगा। ठीक है, इसको ऐसे समझ लीजिए। और यहां का जो बॉन्ड लेंथ है बच्चों बिटवीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 134 पिकोमीटर होगा बच्चों, क्योंकि साइज अगर छोटा होगा ऑक्सीजन का तो बॉन्ड लेंथ भी तो छोटा होगा, कार्बन का साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या है बच्चों बड़ा है। ठीक है, यहां पर ये देख लिया हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ में देखेंगे तो छोटा साइज का होगा तो छोटा बॉन्ड लेंथ होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा बच्चों, है ना। हायर बॉन्ड लेंथ हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ हायर, इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा लोअर होगा। किससे कंपेयर किया जा रहा है बच्चों, अगर हम लोग लोअर की बात कर रहे हैं यानी कि बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो लोअर बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, आसानी से टूट जाएगा और वो कम एनर्जी लेगा तो लोअर हो जाएगा। तो ये लोअर हम कंपेयर किससे कर रहे हैं बच्चों, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CO से, है ना, इससे कंपेयर हो रहा है आपका, ये हाइयर ये लोअर। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन से, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से क्या है बच्चों ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्टेड हुआ किधर, ऑक्सीजन की तरफ, है ना। तो यहां पर जो है ये अनसिमेट्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लॉट होगा बच्चों, अनसिमेट्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लॉट का मतलब कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया है इसमें CO ग्रुप में। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी क्या है ज्यादा है, इसलिए आप दिखा पाएंगे इसको हम लोग कुछ ऐसा करके, ये समझो कार्बन है ये समझो ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा किधर शिफ्ट होगा बच्चों, ऑक्सीजन की तरफ, है ना, यहाँ पर थोड़ा कम है कार्बन की तरफ कम है और ऑक्सीजन की तरफ क्या है इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन क्लॉट ज्यादा है, अनसिमेट्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लॉट है। यहाँ पर देखेंगे बच्चों क्योंकि दोनों कार्बन सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव का है तो जो इलेक्ट्रॉन क्लॉट होगा बच्चों वो कैसा होगा, सिमेट्रिकल पाई इलेक्ट्रॉन क्लॉट होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन क्लॉट होगा, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन क्लॉट इस तरह से होगा, इस सभी जगह इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सेम होगा बच्चों, ऊपर बिलो और एबव दोनों तरफ, है ना, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लॉट सिमेट्रिकल होगा। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन को और डबल बॉन्ड ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के।
ठीक है, इन दोनों को हम लोग इस तरह से कुछ कंपेयर करके सीखे हम लोग। और एक बात और ये रखिए, ये फॉलो करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जबकि ये फॉलो करता है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। याद रखिए एल्डिहाइड और कीटोन जो भी है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलो करेगा बच्चों, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होगा तो माइनस जाएगा प्लस जाएगा। कार्बन पे कौन सा चार्ज आया बच्चों? प्लस चार्ज। कार्बन पे जब प्लस चार्ज आएगा तो कौन उस पर अटैक करना चाहेगा? कोई न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और जिस पर प्लस आ गया वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया। तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज का ये कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग होगा, और पाई बॉन्ड टूट करके दोनों कार्बन ऑक्सीजन दोनों पे जुड़ेगा, कोई ना कोई एटम जुड़ेगा, एडिशन हो जाएगा, और साथ में कार्बन पर जो प्लस चार्ज है उस पर कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। इसलिए क्या बोल रहे हैं हम लोग कि एल्डिहाइड जो होगा या कीटोन जो होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा, जबकि यहाँ पर जो है एल्कीन के अंदर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलो करता है बच्चों। ठीक है, तो हम रिएक्शन से और इसको समझा पाएंगे आप लोग को आगे, तो देखेंगे आगे हम लोग। तो इतना देखिए आप लोग, बॉन्ड स्ट्रेंथ का पोलर नेचर भी दिखा दें। अब अगर पोलरिटी की बात करें बच्चों तो ये मोर पोलर है, ये मोर पोलर है, ये क्या हो जाएगा? लेस पोलर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गया बच्चों। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा पोलर होगा, ये लेस पोलर होगा बच्चों। इस तरह से डिफरेंस हम लोग देखें। अब हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शन में आते हैं बच्चों। हम लोग यहाँ पर हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में जो भी आपका कार्बोनिल ग्रुप था उसको हम कंपेयर किए किससे? डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन से बच्चों। उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ देखिए, बॉन्ड और लेंथ देखिए, उसका पोलर नेचर देखें, है ना, कौन से रिएक्शन को फॉलो करता वो देखें हम लोग। तो इस तरह से हम लोग देखें। आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर, अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, प्रिपरेशन में क्या है बच्चों, प्रिपरेशन कहाँ कहाँ से होगा पहले हम उसके बारे में थोड़ा आपको बता दें। सबसे पहले फ्रॉम हम लोग एल्कीन से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम एल्कीन। दूसरा होगा फ्रॉम अल्काइन, थर्ड हो जाएगा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड एंड जेमिनल डाइहैलाइड। यहाँ से बात करेंगे बच्चों फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ये हम लोग अल्कोहल के केमिकल रिएक्शन में भी देखे थे बच्चों। फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्केन नाइट्राइल, आरसीएन बोल सकते हैं हम इसको, आरसीएन, रिडक्शन ऑफ आरसीएन एंड कार्बोलिक एसिड। फ्रॉम हम लोग बच्चों कैल्शियम, फ्रॉम ड्राई डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रॉम हीटिंग ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोजेनिक एसिड। यहां देखेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, फ्रॉम हीटिंग ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोजेनिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स कैसे बना पाएंगे बच्चों वो देखेंगे हम लोग। फ्रॉम एसिड हैलाइड, ये कुछ ऐसा रिएक्शन है बच्चों जहाँ पर डायरेक्टली आप लोग जो है एल्डिहाइड और कीटोन बनाया जा सकता है यहाँ से, और इसको हम बारी बारी से देखेंगे बच्चों। एक बार फिर से बोलते हैं, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम अल्काइन, फ्रॉम अल्काहैलाइड, फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड बच्चों, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, रिडक्शन है साइनाइड का, कार्बोलिक एसिड है, हीटिंग ऑफ कैल्शियम साल्ट है, कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोलिक एसिड, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम एसिड हैलाइड। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इस
वीडियो में बच्चों हम लोग आज सीखेंगे फ्रॉम एल्कीन से कैसे बनाते हैं, जो भी बचेगा फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते चले जाएंगे बच्चों सिस्टमेटिकली। तो हम लोग फ्रॉम स्टार्ट करते हैं, हम लोग फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से कैसे बनाएंगे बच्चों, हम लोग एल्कीन से कैसे एल्डिहाइड कीटोन बनाया जा सकता है, कौन कौन से रिएजेंट होते हैं, उन सभी रिएजेंट्स के बारे में समझेंगे बच्चों। तो पहले तो हम आपको एक ऐसा बता दें कि टाइप वन में बच्चों हम पढ़ेंगे रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, और यहां पर हम लोग अल्काइन भी लगा सकते हैं, अल्काइन। टाइप टू में जो देखेंगे बच्चों हम लोग वो होगा आपका वेकर प्रोसेस। और जो टाइप थ्री में देखेंगे हम लोग, तीन अलग अलग टाइप का रिएक्शन हम लोग यहां पर यूज करेंगे, ऑक्सो प्रोसेस, या इसी को बोला जाता है हाइड्रो फॉर्माइलेशन प्रोसेस, हाइड्रोफॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, ऑक्सो प्रोसेस बोलते हैं, बेकर्स प्रोसेस हो गया और ओजोनोलाइसिस हो गया बच्चों, और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवाएंगे। ओजोनोलाइसिस दो तरीके का होता है, रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव, यहाँ पर हम रिडक्टिव के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए आप लोग, हम टाइप वन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एल्कीन से। टाइप वन रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, अल्काइन के बारे में बताएंगे बच्चों। पहले रिएजेंट समझे आप लोग, रिएजेंट क्या है, रिएजेंट जो है पहले में फर्स्ट में जो है O3 लेंगे, कौन से मीडियम में, या तो CCl4 ले लीजिए, कोई ऐसा इनर्ट सॉल्वेंट होना चाहिए बच्चों, कोई पोलर सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, इनर्ट सॉल्वेंट हो CCl4 ले सकते हैं, और यहाँ पर CH2 Cl2 ले सकते हैं बच्चों, ये सब जो है आपका इनर्ट सॉल्वेंट है, आप इस कंडीशन में ले सकते हैं हम लोग। मेजर मेरा काम जो है ओजोनोलाइसिस का, ओजोन का है बच्चों, और सेकंड में जो यहाँ पर लेंगे हम लोग H2O जिंक, है ना, H2O जिंक लेंगे बच्चों। ओजोन को चाहे CCl4 में ले लो, ओजोन को चाहे CH2Cl2 में ले लो, है ना, और दूसरे स्टेप में H2O और जिंक यूज करेंगे बच्चों। तो रिएक्शन देखेंगे क्या होता है, तो एल्डिहाइड अगर हमारे पास एल्कीन है बच्चों, CH2 ऐसा एल्कीन है, देखिए काम कैसे होता है, फर्स्ट में O3 और सेकंड में H2O जिंक, इसको रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस इसलिए बोला गया बच्चों क्योंकि यहाँ पर जो जिंक है आपका वो जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो जिंक अगर नहीं रहेगा, जिंक को अगर हटा दीजिए यहाँ पर, तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस बन जाता है, जो कि हम आपको बताएंगे कार्बोलिक एसिड में, ठीक है। और अभी जो है जिंक ले लिए हैं तो रिडक्टिव हो गया, ये एल्डिहाइड कीटोन बनाने का काम करता है बच्चों। तो यहाँ पर जो है यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है बच्चों, सब पहले शॉर्ट बताते हैं फिर मैकेनिज्म बताएंगे आपको, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे और दोनों तरफ चूंकि दो बॉन्ड टूटा है तो दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन डाल देंगे बच्चों, एक एक ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा CH2O और प्लस CH2O, लेकिन CH2O को देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या, HCOH, देखिए तो यही ना CH2O है, तो देखो फॉर्मल्डिहाइड हो गया आपका ये, और यहाँ पर भी क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, दोनों जगह फॉर्मल्डिहाइड हो गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कितने मोल फॉर्मल्डिहाइड बने, 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड बना बच्चों, 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड। करना क्या है आपको कि जो भी डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है उसको ब्रेक कर दीजिए, सिग्मा पाई दोनों टूट जाएगा और दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन जाएगा, जिससे कि एल्डिहाइड बन सकता है बच्चों, कीटोन बन सकता है ना, हम सब एग्जांपल देकर आपको समझाएंगे। यहां पर आपका देखो फॉर्मल्डिहाइड बना आपका, इसका थोड़ा मैकेनिज्म देख लो बच्चों, इसका मैकेनिज्म क्या है, बहुत छोटा सा मैकेनिज्म है, जरा समझ में आएगा आपको।
जब हम लोग ओजोन यूज करते हैं यहाँ पर, ओजोन CH2 डबल बॉन्ड CH2 में ओजोन यूज करते हैं, तो क्या होता है, एक इंटरमीड बनता है कुछ ऐसा करके, इसको ओजोनाइट बोलते हैं हम लोग, ओजोनाइट इंटरमीडिएट, ओजोनाइट इंटरमीडिएट, ठीक है। ये आपका ओजोन सिलेक्शन करने से ऐसा होता है, लेकिन जब हमारे पास यहाँ H2O डालिएगा, वाटर डालिएगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा ऐसा करके। देखो CH2O हो गया, जो हम पहले बोल रहे थे आपको, हम CH2O यहाँ भी क्या हो गया CH2O, और CH2O का मतलब क्या हो गया बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड। तो कितने मोल फॉर्मल्डिहाइड बने, 2 मोल बने, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है, ये 2 मोल तो फॉर्मल्डिहाइड बन गया, अब प्लस जो ऑक्सीजन बचा बच्चों, वो क्या किसके साथ गया, H2O के साथ, H2O2 बना दिया। H2O2 जो होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों, H2O2 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर इसको छोड़ दीजिएगा आप यहाँ पर H2O2 को, तो वो क्या करेगा, इस फॉर्मल्डिहाइड को फिर से ऑक्सीडाइज करके फॉर्मिक एसिड में लेकर चल जाएगा बच्चों, यानी कि उसको इस फॉर्मल्डिहाइड में नहीं रहने देगा, उसको ऑक्सीडाइज करके फॉर्मिक एसिड में चला जाएगा वो, ठीक है। लेकिन चूंकि हमको फॉर्मल्डिहाइड बचाना है बच्चों, इसलिए आपको H2O2 को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर को वहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसी H2O2 में जिंक रिएक्शन करवाते हैं, जैसे जिंक यहाँ देखें आप लोग, जो जिंक हम लिए थे हम लोग, वो जिंक क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिएक्शन जो हो जाएगा, ZnO प्लस H2 हो जाएगा, ये 0 से क्या हो गया, +2 हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट अपना ऑक्सीडेशन बढ़ाता है बच्चों, और ऑक्सीजन का देखिए -1 से ये -2 हो गया, इसका घट गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना ऑक्सीडेशन घटाता है। इस तरह से जिंक H2O2 जो है, इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर खत्म हो गया बच्चों, अब ये फॉर्मल्डिहाइड बच पाएगा, नहीं तो ये फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता। इसीलिए हम जिंक डालते हैं, ताकि H2O2 को यहाँ से हम लोग उसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर को हटा पाए, रिमूव करवा पाए, ठीक है। इस तरह से हम लोग फॉर्मल्डिहाइड बनाते हैं। शॉर्ट तरीका क्या था बच्चों, शॉर्ट तरीका समझना जरूरी है, क्योंकि तुरंत काम तभी कर पाएंगे जब आपको शॉर्ट तरीका पता होगा। तो क्या करना था, डबल बॉन्ड ब्रेक कर देना था, दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन डालना था, जिससे कि यहाँ फॉर्मल्डिहाइड बना। और भी एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, जिससे कि एल्डिहाइड भी बनेगा, कीटोन भी बनेगा, ठीक है। जरा देखिए इसको, ऐसा हो गया O3 H2O जिंक CCl4 मीडियम में ले लीजिए, है ना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर से क्या बनेगा CH3COHO, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, देखिए इधर से CH3CHO हो गया, और इधर से फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, देखिए मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड बन गया। उसी तरह से बॉन्ड ब्रेक करते जाना हम लोगों, CH डबल बॉन्ड CH CH3O3 H2O जिंक, क्या बन गया बच्चों, CH3CHO 2 मोल, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, 2 मोल बन गया, ठीक है। अब जरा देखो आप लोग समझो, यहाँ पर एक और एक बात समझेंगे बच्चों, यहाँ पर जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास बच्चों हाइड्रोजन नहीं होगा, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होगा, वहां पर दो दो अल्काइल ग्रुप बैठा होगा, तो वहां पर आप एल्डिहाइड नहीं बन के बच्चों कीटोन बन जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ ऑक्सीजन डालिएगा तो ये सी डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3CO CH3 प्लस, इधर से क्या होगा CH3CHO, तो देखिए एक एसीटोन बन गया और एल्डिहाइड बन गया, देखे आप लोग कहाँ बनेगा कीटोन, बताइए कीटोन उस कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से बनेगा जहां पर हाइड्रोजन नहीं होगा, वहां पर सिर्फ अल्काइल ग्रुप होगा, तो वहां से कीटोन बन जाएगा, और जिस कार्बन के, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा, वहां से एल्डिहाइड बनेगा बच्चों, कितना सिंपल सी बात है ये। और भी कुछ एग्जांपल देखें आप लोग,
कुछ एग्जांपल हम लोग और देखें, CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3। अगर आपको जो लाइसिस करवा रहे हैं बच्चों हम लोग, जिंक के साथ रिडक्टिव वो जो लाइसिस हो गया, यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक होगा, जितने डबल बॉन्ड होंगे एल्कीन वाला सब बॉन्ड ब्रेक होगा। CH3 COCH3 प्लस बीच वाले से, उधर से क्या बन जाएगा बच्चों, बीच वाले से बताते हैं, CHO CHO बन जाएगा, जिसका नाम ग्लाइक्जल था, ग्लाइक्जल, ये वाला एसीटोन बन गया, वो ग्लाइक्जल बन गया, और उधर से क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 CHO एसिटाल्डिहाइड, उधर से एसिटाल्डिहाइड बन गया बच्चों, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल देखिए हम लोग, अगर कुछ ऐसा है O3 H2O2 जिंक H2O H2O2 नहीं बच्चों H2O जिंक, तो यहाँ क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ देखिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के रहने की वजह से यहाँ एल्डिहाइड बनेगा CHO CHO, ठीक है। और भी आपको एग्जांपल देते जाए, अगर आपको सोचिए यहाँ पर ऐसा करके है, मिथाइल ग्रुप है H2O जिंक, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों, और क्या बन पाएगा देखिए, CH3 यहाँ C डबल बॉन्ड O, और देखो 1 2 3 4, ये 4 CH2 है, 4 CH2 है, ठीक है। और इस कार्बन पर जो बच्चा बनेगा, 1 2 3 4 5 6 है, और ये 7 होगा, तो 7 नंबर पे क्या हो जाएगा बच्चों, एल्डिहाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ CO है, यहाँ पर CHO है ना, चार जो है ना, आपको हम दिखा दें इस तरह से तो ज़्यादा अच्छा होगा। CH2 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 CHO, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, दो नंबर पे क्या था, कीटोन, और 7 नंबर पे क्या था बच्चों, एल्डिहाइड। इस तरह से टूटेगा यहाँ पर, अगर आपके पास कुछ ऐसा हो, O3 है, H2O जिंक है ना, यहाँ दोनों बॉन्ड ब्रेक होगा, CHO CHO, दो मोल बन जाएगा बच्चों, अगर आपके पास कुछ ऐसा हो बच्चों, अगर ऐसा है आपके पास है ना, यहाँ ओजोलाइसिस करवा रहे हैं हम लोग H2O जिंक का, तो ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा, ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक इधर से देखो बच्चों CH3 CHO हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, हम नंबरिंग यहाँ से कर ले बच्चों, 1 2 3 4 5 6 है ना, और 5 नंबर पे एक CHO ग्रुप हो जाएगा बच्चों, और ये 7 नंबर पे क्या हो जाएगा, एक एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन है ना, तो देखिए कैसे बनेगा, CH3 यहाँ से किए, 2 नंबर पे CO ग्रुप हो गया बच्चों, और फिर 3 4 5, तीन चार पे CH2 CH2 है, 1 2 3 4, ये 5 नंबर पे क्या है बच्चों, 5 नंबर पे एक CHO ग्रुप है, ठीक है। और फिर इसी 5 पर CHO ग्रुप था, फिर 6 नंबर जो है CH2 हुआ, और फिर एक CHO ग्रुप हो गया, ऐसा कुछ हो गया बच्चों, देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से बना आपका प्रोडक्ट बन गया आपके लिए। अगर आपके पास क्या हो, बेंजीन ग्रुप हो बच्चों, बेंजीन हो, O3 हो, H2O जिंक हो, ये सब बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों, और सब के तरफ क्या होगा, एक एक ये सब ऑक्सीजन जा रहा था, यहाँ भी एक एक ऑक्सीजन जाएगा, तो देखिए CHO CHO
CHO, कितना मोल बच्चों? ग्लाइसिन का कितना मोल बना? यहां से एक मोल बना, यहां से दूसरा मोल बना, यहां से तीसरा मोल बना। इस तरह से आपका तीन मोल ग्लाइसिन बन गया, ठीक है। और देखिए यहां पर अगर कुछ ऐसा हो बच्चों, ऐसा हो इसको हम लोग टॉलिन बोलते हैं हम लोग, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, और सब की तरफ एक एक ऑक्सीजन जाएगा बच्चों, तो क्या बन पाएगा? CH3CO CHO, इधर से एक CHO CHO, इधर से एक CHO CHO, और दो मोल क्या हो गया? CHO CHO मतलब ग्लाइसिन। इस तरह से देख रहे हैं बच्चों आप लोग, तो ओजोलाइसिस में हम लोग इसी तरह से काम करते हैं बच्चों। एक आपको हम बताते और क्वेश्चन आया था, इसका नाम है आपका ऑर्थोजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन जो है O3 में और H2O जिंक से रिएक्शन हुआ था तो क्या बनेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ऑर्थोजाइलिन जो है H2O रिडक्टिव ओजोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा, है ना। तो जरा समझें ऑर्थोजाइलिन के बारे में बच्चों। इसका आंसर आपको बता रहे हैं ऑर्थोजाइलिन का। पहले तो बता दें आपको हम कि अगर ऑर्थोजाइलिन को ऐसा लिखा जाए, क्योंकि ऑर्थोजाइलिन में जो डबल बॉन्ड होता है बच्चों वो रेजोनेंस में जाता है ना, तो एक बार ऐसा लिखा जाए, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ऑर्थोजाइलिन का, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बन पाएगा? तो देखो CH3CO CHO और CH3CO CHO, यानी कि दो मोल ऐसा बनेगा, और इससे क्या बन पाएगा बच्चों? इस कार्बन से CHO CHO प्लस क्या हो जाएगा, जिस कार्बन से बॉन्ड ब्रेक होता है बच्चों वहां से एल्डिहाइड बन जाता है या तो कीटोन बन जाता है। कार्बन का हाइड्रोजन ना हो, डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन ना हो तो कीटोन बन जाता है, अगर एक भी हाइड्रोजन हुआ तो एल्डिहाइड बन जाता है। इस तरह से हुआ, अगर किसी को ऐसा लिखा जाए बच्चों, ये भी ऑर्थोजाइलिन है लेकिन देखिए एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेंजीन का, तो इसी में जो है H2O जिंक हम डाल दिए, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों, दोनों तरफ जाएगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बन पाएगा? CH3CO CH3 प्लस। देखिए ना यहां पर देखिए CH3CO फिर CO फिर CH3, ये बन गया आपका। इधर से क्या बनेगा बच्चों? यहां से जो बाउंड होगा यहां पर CH2 होगा, CHO CHO हो जाएगा, ठीक है। और यहां से क्या बनेगा? यहां से जो बन पाएगा बच्चों वो CHO बन जाएगा, CHO CHO बन जाएगा, ग्लाइसिन बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक बार फिर से देख ले बच्चों, यहां पर CH3CO CHO CH3CO CHO, फिर यहां से CH3CO CHO, दो मोल बन गया आपका बच्चों। फिर यहां पर से क्या हुआ? CHO CHO और जो यहां पर CHO CHO, यहां पर से एक हो गया, ठीक है। और यहां पर देखिए हम लोग CH3CO CH3CO और CH3CO, ठीक है बच्चों ये। फिर यहां पर CH2CHO CHO हो गया, एक CHO CHO हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से हमारा
तो यहाँ पर जो है और कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों यहाँ पर। इस तरह से आपका जो है कि ये आपका जो टूट गया है ओजोनाइसिस हो गया आपका बच्चों, इस तरह से देखेंगे आप लोग। अब ये दोनों प्रोडक्ट जो है आप जोड़ दीजिएगा तब टोटल प्रोडक्ट इसका आएगा बच्चों, ठीक है। दोनों प्रोडक्ट जोड़ने के बाद जो टोटल प्रोडक्ट आएगा उसी पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं बच्चों एक बार, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां से बॉन्ड ब्रेक है, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहां से हो जाएगा CH3CO, फिर ये COCH3 प्लस यहां से CHO हो जाएगा बच्चों, ये CHO हो जाएगा और यहां से भी CHO हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर कितना हो गया आपका, ये 2 मोल हो गया है ना। अब सबको जोड़ा जाए बच्चों, इसको सबको जोड़ा जाए इसको, तो देखिए दोनों क्या था, एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो अगर हम ओजोनाइसिस करें हम लोग इसका, हम लोग O3 एस्ट्रोजिन का, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 मोल क्या है आपका CH3CO, COCH3 है 1 मोल, और 2 मोल क्या है बच्चों CH3CO COH, ये दो मोल है, प्लस 2 और 3 मोल क्या है बच्चों CHO है। इस तरह से 1:2:3 में ऐसे टूटा बच्चा। ये सब जो इसका प्रोडक्ट है 1:2:3 में जो है आपको रेशियो दिखा रहे हैं आप लोगों, ये प्रोडक्ट आएगा बच्चों जब हम लोग ऑर्थोजाइलिन को ऑक्सीडेटिव ओजोनाइसिस रिडक्टिव ओजोनाइसिस करेंगे। तो बच्चों देख लीजिए इसको, पहले वाला उसको मिटा दीजिएगा, ये अभी आपका जो ये वाला ये इसी से काम करेंगे हम लोग, ठीक है। और एक ओजोनाइसिस और देख लीजिए बच्चों, एक एग्जाम्पल और देख लें हम लोग। अगर आपके पास बेंजीन के साथ कोई जो है एल्कीन ग्रुप हो, ऐसा कुछ करके हो, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, जनरली जब अल्काइल ग्रुप होता है बच्चों तब ऐसा तोड़ते हैं बेंजीन को। जब अल्काइल ना हो, कोई एल्कीन हो, अल्काइन हो वहां पर, तो हम लोग फिर इस बेंजीन को नहीं तोड़ेंगे, हम लोग इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, CHO ग्रुप हो जाएगा, यहां से HCHO ग्रुप हो जाएगा, यानी कि एक बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा और एक फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा बच्चों, ठीक है। दूसरा प्रोसेस है हम लोग जो बच्चों, अब इसका आगे का जो वीडियो है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको देंगे, जिसमें कि बेकर्स प्रोसेस और ऑक्सो प्रोसेस भी बताएंगे बच्चों आप लोगों को। तब तक आप इसका ओजोन रिडक्टिव ओजोनाइसिस का नोट्स बनाए, है ना। फिर अगले वीडियो में हम लोग बेकर्स प्रोसेस और ऑक्सो प्रोसेस जो होता है एल्कीन से जैसे बनता है कीटोन, उसको बताएंगे और आगे का भी प्रिपरेशन बताएंगे बच्चों, ठीक है। तब तक नोट्स बनाए, थैंक्स।